चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर वन टीचिंग ऐप। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूं नीलेश और आप देख रहे हैं नीलेश पांडे व्लॉग। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं इस टाइम पे खड़ा हूं बैरहना चौराहे पे, बगल में ही बस स्टैंड भी है। और आज का पर्व है मौनी अमावस्या का, जो कि बहुत ही ज़्यादा शाही पर्व माना जाता है। प्रयागराज संगम में आज बहुत दूर दूर से लोग डुबकी लगाने आते हैं प्रयागराज गंगा में। संगम यहाँ से काफ़ी दूर है, समथिंग अराउंड 5 से 6 किलोमीटर दूर होगा यहाँ से संगम। फिर भी यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ क्राउड है, सोचिए संगम क्षेत्र में कितना ज़्यादा भीड़ होगा। तो चलेंगे हम लोग, आज घूमने वाले हैं प्रयागराज संगम। और सुना है कि थोड़ा सा गंगा जी का जलस्तर भी बढ़ा है, उसके बारे में भी बात करेंगे यहाँ के अधिकारियों से। और जो यहाँ के पूजा पाठ करने वाले पंडित जी और जो किनारे में पंडा लोग बैठे रहते, उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे आज का महत्व क्या है। तो आप लोग जुड़े रहें पूरी वीडियो के साथ, दिखाता हूँ पूरा। आज मज़ा आने वाला है बहुत ज़्यादा। तो गाइस, अभी आप लोग देख रहे हैं मेले का दृश्य, यहाँ पर झूला वाला सब लगा हुआ है। बस यहाँ से मैंने एंटर किया है, मैं आगे से यहाँ से बाहर निकल जाऊँगा, इधर थोड़ा सा पास पड़ेगा, इसलिए मैं यहीं से एंट्री ले लिया। तो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये रास्ता अंदर की ओर जाता है बड़े हनुमान मंदिर, और सीधे जाता है संगम क्षेत्र के लिए। सीधा भेज दिया जाता है लोगों को जो नहाने के लिए आए हैं। और आज है मंगलवार का दिन, मौनी अमावस्या भी है, तो वैसे भी भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है आज मेले क्षेत्र में, क्योंकि बड़े हनुमान मंदिर भी यहीं पर है स्थित। तो दर्शन करने के लिए बहुत दूर दूर से श्रद्धालु जो है उनके भी आते हैं। और माघ मेले का टाइम चल रहा है, मौनी अमावस्या भी है और मंगलवार का दिन, इस वजह से यहाँ पर भीड़ जो है दोगुना हो गई है इस बार। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ से लोग दर्शन करके जो संगम स्नान करने आए हैं, वहाँ से रिटर्न आ रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ बढ़ गई है यहाँ। तो दोस्तों, अभी हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं, और हमारा ये भी मोटिव, हमें जानना है कि गंगा का जलस्तर अभी बीच में बढ़ा है, तो उससे क्या क्या दिक्कत परेशानी हुई लोगों को, वो भी जानेंगे, पूछेंगे यहाँ के जो घाट पर पंडा लोग बैठे रहते हैं, और सुरक्षा कर्मियों से भी बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या क्या दिक्कत हुई उसकी वजह से, और उसके लिए आगे क्या तैयारियाँ हैं उनकी पूछेंगे। और आज जो है मौनी अमावस्या, इसका क्या महत्व है स्नान का, वो भी जानेंगे पंडा बाबा लोगों से। जुड़े रहे हम लोग पूरे वीडियो के साथ, मैं पूरा आपको जानकारी दिलाऊंगा। और आगे कौन कौन से नहावन होने वाले हैं, स्नान कौन कौन से होने वाले हैं, वो भी हम लोग बात करके जानेंगे उनसे। पूरी वीडियो के साथ जुड़े रहे, काफ़ी जानकारी आप लोग को मिलने वाली है इस वीडियो में। दोस्तों, अभी मैं आ चुका हूँ पूरा संगम क्षेत्र में। आप जैसा कि देख रहे हैं, पूरा भीड़ भाड़ का पूरा यहाँ पर नज़ारा दिख रहा है।
संगम से जो मेन संगम यहाँ से थोड़ा सा दूर है, समथिंग 500 मीटर दूर होगा। तो यहीं पर अभी मैं पहुँच चुका हूँ और यहीं पर पंडा बाबा से भी कुछ जानकारी लूँगा, बात करूँगा उनसे कि आगे कौन कौन से पर्व पड़ने वाले हैं और गंगा जल स्तर जब बढ़ा तो क्या क्या दिक्कत परेशानियाँ हुई लोगों को। तो जुड़ के बात करेंगे किसी बाबा जी को, देखते हैं और यहीं से बात करते हैं। यहाँ पर एक बाबा जी की कुटिया दिख रही है और यहीं से बाबा जी से बात करके फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नमस्कार बाबा जी, मैं आप दर्शकों की जानकारी के लिए आपसे कुछ बात करना चाहता हूं, तो आप बता दीजिए। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि अभी कुछ दिनों पहले ही यहां पर जलस्तर बढ़ गया था, गंगा जी का जल बढ़ा हुआ था जी, क्योंकि जनवरी में जो वर्षा भया जी, हर प्रांतों में वर्षा भया जी, और गंगा जमुना में जल आता है जी, जैसे दिल्ली वर्षा भया और इधर हरिद्वार में वर्षा भया जी जी, ऋषिकेश वगैरह में गंगा में बाढ़ आएगा, हरिद्वार में जब जल छोड़ेंगे तब कुछ न कुछ बाढ़ आएगा, इधर पश्चिम वर्षा होगा, चारों दिशा वर्षा भया है। अच्छा जी, तो महाराज जी जैसे ये अचानक से जब जल बढ़ गया नदियों का तो दिक्कत परेशानी बढ़ गई होगी लोगों की। दिक्कत परेशानी ये बढ़ी कि कल वासियों के टेंट में शिविर में जल प्रवेश हो गया, उनको जगह बहुत दूरी दे रहे थे, कितने कल्पवासी इत्याज से वापस हो गए, वापस चले गए पूरा स्नान बिना किए। ऐसा है कि संकल्प तो किए नहीं थे, पूर्णिमा को संकल्प करते हैं, अब पूर्णिमा भर एक माह का जो है, एक महीने का जो है संकल्प उनका होता है। अच्छा, जो माघी स्नान होता है, माघी पूर्णिमा जब खत्म होगा तब उनका संकल्प खत्म होता है, तब वो दूसरे दिन तीसरे दिन घर से जाते हैं। तो आगे जैसे मान लीजिए जो जलस्तर बढ़ा, लोग आधे लोग चले गए, तो प्रशासन की क्या तैयारियां हैं इसके बारे में, कुछ प्रशासन तैयारी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? प्रशासन तो पूर्ण रूप से हर तैयारियों में जुटे हुए हैं, कोई तैयारियां कमी नहीं है। अभी अचानक से ऐसा हो गया, अचानक हो गया, दैवा प्रकोप जो होता है जी। अब जैसे महामारी का 3 वर्ष से प्रकोप चल रहा है बिल्कुल, तो उसी तरह ये बारिश अनिश्चित काल जो वर्षा होता है उसमें जो है जल स्तर गंगा का है, यमुना का है, ये जल बढ़ जाता है। ये 4 महीने तो हम लोग जल की स्तर यहाँ देखते रहते हैं, आषाढ़ सावन भादो कुवार महीने से जल की स्तर कम होती है। तो यहाँ क्या हर साल ऐसा पानी बढ़ता है जल स्तर क्या? हर साल नहीं बढ़ता, ये आपकी वर्ष भया है। अच्छा, हर साल ऐसा नहीं होता है। तो बाबा जी हर वर्ष तो बरसात महीने में जल बढ़ता है यहाँ, 4 महीने लेते हुए हनुमान जी को स्नान कराना। अच्छा, माता गंगा जी उनको स्नान कराते हैं, ये हर वर्ष का यहाँ का नियम है जी, काफी वर्षों से। जब कोई विपदा आता है तो हनुमान जी स्नान नहीं करते। तो बाबा जी कुछ जानकारी और चाहिए दर्शकों को, आप बता दीजिए कि जैसे आज मौनी अमावस्या है तो आगे और कौन कौन से नहावन पड़ने वाले हैं पर्व? अभी पड़ेगा बसंत पंचमी, अचला सप्तमी, फिर उसके बाद में एकादशी पड़ेगा, पूर्णिमा पड़ेगा, अभी 3-4 स्नान बाकी है। तो ये क्या आप डेट के हिसाब से दर्शकों को बता सकते हैं कि कौन से डेट पे पड़ने वाला है? आपको पता हो अगर तो बता दीजिए। अब ऐसा है, देखे ना, आप निकालना पड़ेगा, मगर अभी मतलब इसी बीच में होने वाले हैं सर। 16 को पूर्णिमा हो, 16 तारीख को, 16 तारीख को, 6 तारीख को जो है बसंत पंचमी है, 6 फरवरी वाली, 6 फरवरी बसंत पंचमी, मार्च को, ये फरवरी चल रहा है ना, तो मार्च में शिवरात्रि होता है, जो शिवरात्रि का स्नान होता है यहाँ काशी में, विशेष महत्व उसका है, शिव जी के ऊपर जल छोड़ने का, शिव जी का व्रत लोग रहते हैं। अब माघ महीने का ये महत्व है कि माघ मकर रवि गति जब हो सबकोई सब तीर्थ यहाँ प्रयाग में आ जाते हैं, और यहाँ पे तीर्थों की कमी नहीं है, सबसे बड़ा तीर्थ आपका प्रयागराज है, इसीलिए यहाँ पर इतनी विशेष भीड़ होती है। गंगा यमुना का सरस्वती का जो मिलान होता है प्रयाग में भी है, और अक्षयवट का वृक्ष है, 12 माधो है, 12 माधो इनकी रक्षा कर रहे प्रयागराज, प्रयागराज की 12 माधो, 12 माधो ये अनाज काल से है, और यहाँ पर आदि माधो है, बेड़ी माधो है, शंख माधो है, चक्र माधो है, गदा माधो है, पद्म माधो है, शेष माधो है, वरुण माधो है, 12 माधो यहाँ के नायक हैं। तो वो लोग पूरा यहाँ की रक्षा कर रहे हैं प्रयागराज। तो आप यहाँ के पंडा होंगे प्रयागराज के? हाँ, यहाँ के तीर्थ पुरोहित हैं हम, गंगा पुत्र घाटिया, यहाँ घाट लगाते हैं 12 महीने। अच्छा, ये हमारी वृत्ति है, 3 पीढ़ियों से हम लोग ये कार्य करते चले आ रहे हैं, और इसी कार्य से हमारा लोग का हुए है, तो हमारे भगत जगत प्रसन्न रहे, यही हमारी दक्षिणा है। माया तो आएगा और चला जाएगा, सही बात है महाराज जी, मगर स्नेह प्रेम बना रहेगा तो सदा जीवन भर का बरकरार रहेगा। जी हाँ बिल्कुल।
महाराज जी हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी जानकारी हमारे दर्शकों को दिए आप, जब कभी आइए तो यहाँ हम 12 महीने रहते हैं। हमारा नाम शिव शंकर पांडे है। शिव शंकर पांडे, हाँ, वैसे मुन्नू नाम करके यहाँ जानते हैं। अच्छा। और हमारे सब ये हमारी इच्छा रहती है कि जो हमारे अतिथि देव आम है वो प्रसन्न होकर जाए, हंसते हुए जाए अपने घर। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, की कामना पूर्ण हो। यहाँ चार चीज प्रदान होता है, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। मोक्ष दायिनी माँ गंगा है, यहाँ चारों चीज मिलता है। चार चीज कोई तीर्थ में नहीं पाएंगे आप, केवल प्रयाग में ही मिलेगा, इसीलिए प्रयागराज का महत्व ज्यादा है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी हमसे जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, बहुत सारी जानकारी महाराज जी ने हम लोग को दिया, महाराज जी का बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग यहाँ से चलेंगे संगम की ओर भी, वहाँ का पूरा नजारा आप लोग को दिखाऊंगा, जुड़े रहे पूरी वीडियो के साथ। महाराज जी, अभी आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो नजारा, यही है रिपोर्टिंग चौकी जो कि मेला क्षेत्र में बनाई गई है। जो लोग गुम हो जाते हैं, खो जाते हैं, उनके साथी कोई भटक जाते हैं, तो यहाँ पर आके आप लोग रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं और आप अनाउंसमेंट भी कर सकते हैं। अपने जो आपके साथी हैं उनको आप बता सकते हैं कि मैं खो गया हूँ, और यहाँ पर आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। प्रशासन पूरी तरीके से आपकी सेवा में तत्पर है। जैसा कि आप पीछे देखें, पुलिस चौकी और मान लिया प्रयागराज 2022 की पूरी तैयारियों में ये भी शामिल है, और यहाँ पर सारे सुरक्षा कर्मी नियुक्त हैं। आपको अगर कहीं भटक जाते हैं, यहाँ पर आके आप लोग बता दें, आपको आपके फैमिली से मिला दिया जाएगा। जैसा कि आप दोस्तों देख रहे हैं, यहीं पर आप पर्ची लिख के दे देंगे तो उसको अनाउंस कर दिया जाएगा, आपके फैमिली तक वो बात पहुँच जाएगी और वो आसानी से मिल जाएंगे। ये प्रयागराज सोनी से आकर के तो दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं, मैं छावनी के अंदर ही खड़ा हूँ। यहाँ पर जो मेन अधिकारी हैं अपने इंस्पेक्टर साहब, उनसे हम लोग कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे, बात करेंगे उनसे कि क्या क्या तैयारियाँ हैं उनका मेले को लेके, क्या तैयारियाँ उनकी और किस तरीके से मेंटेन कर रहे हैं पब्लिक को आज, क्योंकि क्राउड ज़्यादा है यहाँ पर। तो चलते हैं सर के पास, बात करते हैं, वो थोड़ा सा अगर पूछ अगर खाली हों तो उनसे बात कर लेते हैं। जय हिंद सर, आप थोड़ा सा बात हो सकती है थोड़ा सा? तो सर तो अभी बात करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि अभी रेस्ट ही आई थिंक ले रहे थे अभी, क्योंकि ड्यूटी सुबह से ही वो कर रहे हैं तो रेस्ट का टाइम है उनके, बात नहीं कर रहे हैं। तो किसी और से हम लोग बात करके जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि लेना है न्यूज़ यहाँ का, रिपोर्ट तैयार करनी है। बात करते हैं किसी और से, इसको देखते हैं जो इस टाइम पर फ्री हो उनसे बात कर लेते हैं। जुड़े रहें आप लोग पूरी वीडियो के साथ। सर कुछ बात करनी है आप लोगों से, बात कर सकते हैं क्या अभी? इंस्पेक्टर साहब बात करने के लिए तैयार नहीं है। हाँ तो अभी नहीं कर रहे हैं ना, उसी से बात करो। कौन? वही इंस्पेक्टर जो वही का है, वो तो बात ही नहीं कर रहे हैं, बोलने में कुछ जानकारी नहीं है। वही जानकारी वही नहीं, हम लोग नहीं जान बात है ना, आप लोग बाहर नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे का नज़ारा, मैं आ चुका हूँ घाट पे संगम, जहाँ पे लोग स्नान कर रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा भीड़, लोगों के अंदर उत्साह और माता गंगा के प्रति उनका जो सम्मान है वो उनको दूर दूर से खींच लाता है यहाँ पर स्नान करने के लिए। तो और इसका महत्व भी बहुत ज़्यादा है, आज मौनी अमावस्या का तिथि दिन है आज, और यहाँ पर इस वजह से श्रद्धालुओं का काफ़ी ज़्यादा काफिला आ चुका है और स्नान कर रहा है। ये स्नान बहुत सुबह से ही चालू हो जाता है, 4 बजे भोर से ही यहाँ पर स्नान करने वाले जो कल्पवासी हैं वो आकर घाट पर स्नान करना शुरू कर देते हैं, उसी का महत्व है। आज मौनी अमावस्या है, मौनी अमावस्या का ये महत्व है कि आप मौन होकर स्नान करें। और कुछ लोग तो नहाने टाइम जब आते हैं अपने घरों से, वहाँ से ही बिना बोले बिना किसी से बात किए संगम स्नान करने के बाद फिर यहाँ से वो लोग बोल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो जो यहाँ पर लोग कल्पवास करने के लिए आते हैं दोस्तों, उनका एक और भी फंडा है कि वो लोग कितनी भी ठंडी हो, कितना भी कुछ भी हो, स्नान करने के बाद वो आग जला के उसको आग की गर्मी नहीं ले सकते, ऐसा उनका कल्पवास का सिस्टम होता है, तभी मान्यता है कि उनको पूरा पुण्य मिलता है कल्पवास का। तो काफ़ी तपस्या भरा होता है कल्पवास का जीवन, बहुत ही रोमांच तरीके का होता है,
अगर आपको इसके बारे में पूरा जानना होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं इसके ऊपर एक कोई प्यारी सी छोटी सी अच्छी सी वीडियोस बना दूंगा जिससे आपको कल्पवास के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो वैसे काफ़ी अच्छा यहाँ का नज़ारा है, नाव वगैरह यहीं से मिल जा रही है। वोटिंग आपको करना है तो आप लोग संगम के पास तक, बिल्कुल जहाँ संगम बीच में लगता है वहाँ तक वोटिंग करके जा सकते हैं और संगम का पूरा आनंद उठा सकते हैं। तो वोट का ज़्यादा भाड़ा नहीं है, 60 रुपये में आप लोग वोटिंग कर सकते हैं और संगम क्षेत्र से घूम के वापस अपने गंतव्य तक आ सकते हैं और वहाँ से अपनी यात्रा मंगल बना सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो दोस्तों पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी अगले मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय।